जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल की चर्चा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में है। मॉल के उद्घाटन से पहले भी इसकी खूबसूरती की चर्चा हर एक के ज़बान पर थी, लेकिन मॉल के उद्घाटन के बाद इस मॉल में नमाज पढ़े जाने को लेकर तगड़ा विवाद है। हाल ही में करनी सेना और कई सारे हिंदू संगठन यहाँ पहुँच कर प्रदर्शन कर चुके हैं। देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की पहली स्थापना दुबई के अबूधाबी में रखी गई थी। आप नहीं जानते होंगे कि इतने बड़े विवादों में घिरे लुलु मॉल का नाम आखिरकार लुलु मॉल कैसे पड़ा। हम आपको बताएंगे कि लुलु शब्द का मतलब मोती होता है और यह अरबी शब्द है। साल 2000 में लुलु हाइपरमार्केट की शुरुआत की गई थी। इस शॉपिंग मॉल के मालिक का नाम यम्या यूसुफ है। ये भारत ही के निवासी हैं। इनकी कहानी यूँ है कि 1973 में यम्या यूसुफ भारत से दुबई चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी मेहनत से अपना और भारत का नाम रोशन किया। इस बड़े ब्रांड के स्टोर्स 22 देशों तक फैले हुए हैं और 200 से भी जायद स्टोर्स मौजूद हैं। अब यम्या यूसुफ भारत में भी बहुत सा धन निवेश करना चाहते हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे और भारत के निवासी इससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन चंद संघी अपनी करतूतों की वजह से इनके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, जिसका असर एक सच्चे हिंदुस्तानी पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही ब्रेकिंग अपडेट के लिए ताजफ टीवी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।